नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कश्मीर मसले के समाधान के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति पर दो सवाल उठे। पहला ये कि जब कश्मीर में बंदूक की जुबान समझने वाले दहशतगर्दों को बंदूक की भाषा में ही जवाब दिया जा रहा है, तो फिर बातचीत की पहल क्यों? दूसरा सवाल ये कि बातचीत के लिए मोदी सरकार कश्मीर में दूसरा अजीत डोभाल यानी दूसरे जासूस को क्यों भेज रही है? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि कश्मीर में केंद्र के मध्यस्थ दिनेशवर शर्मा आईबी के चीफ रहे हैं। काफी साल तक आईबी अफसर के तौर पर उनकी तैनाती कश्मीर में रही है। तो सवाल है कि क्या एक जासूस के जरिए मोदी सरकार कश्मीर मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही है? कश्मीर बॉर्डर पर दनादन गोलियां बरस रही हैं। रोजाना पाकिस्तान परस्त आतंकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। अलगाववादी और पत्थरबाजों का नेटवर्क तबाह हो चुका है। कश्मीर के दुश्मनों का दम निकल रहा है। घाटी के ऐसे माहौल के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया, न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है, समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। इस बयान के बावजूद ये सवाल उठा कि मोदी सरकार ने 3.5 साल तक बातचीत की पहल क्यों नहीं की? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के 2.25 महीने के बाद केंद्र में कश्मीर में बातचीत के बंद दरवाजे एक झटके से खोल दिए हैं। मोदी सरकार ने आईबी के पूर्व डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा को बातचीत के लिए कश्मीर में मध्यस्थ चुना है। फॉर्मर डायरेक्टर आईबी श्री दिनेश्वर शर्मा से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। वह 1978 बैच के आईपीएस अफसर हैं। अच्छा, 1979 बैच के आईपीएस अफसर हैं और इंटरनल सिक्योरिटी की से रिलेटेड जो समस्याएं हैं इस देश की, उससे वह अच्छी तरह वाकिफ हैं और बराबर ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड समस्याओं को वह डील करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। आईबी के पूर्व डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा सरकार के ऐसे जासूस हैं, एक ऐसे आईपीएस अफसर जिनके कंधों पर अब तक आतंक में जल रहे कश्मीर की आग को शांत करने की जिम्मेदारी है। इस नियुक्ति के साथ ही सियासी हलकों में भौहें तनने लगी हैं। आखिर एक जासूस को बातचीत का मध्यस्थ बनाकर केंद्र क्या साबित करना चाहता है? मेरे समझ में नहीं आता है कि क्यों उन्होंने एक जासूस को चुना है। ये क्या अजीत डोभाल के कारण ये आदमी नियुक्त किया गया है? क्योंकि अजीत डोभाल की छवि वहाँ कश्मीर में ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग इसका स्वागत करेंगे। चलते कश्मीर में केंद्र का एक जासूस बातचीत की पहल से अमन की बहार लाएगा, लेकिन कैसे और क्यों ये आपको बताएंगे। लेकिन एक जासूस की नियुक्ति पर उठते सवालों को दिनेश्वर शर्मा के साथ साथ आईबी जैसे खुफिया तंत्र से जुड़े पूर्व अफसरों ने सिरे से खारिज कर दिया। एक जासूस को वार्ताकार क्यों बनाया गया, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। मणिशंकर अय्यर साहब जानते हैं, ये जासूस ही जो है वही शुरू करते हैं ये चीजें, इनके बगैर जो है ना नहीं होता है। बहरहाल जासूस पर उठते सवालों के बीच सवाल है कि पिछले 1 साल से कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले केंद्र ने अचानक बातचीत का रास्ता क्यों चुना? क्या ये कश्मीर मसले पर मोदी सरकार का यू टर्न है? क्या आज की तारीख में कश्मीर के हालात बातचीत के लायक बन चुके हैं, या फिर ये मोदी सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? बहुत सोच समझकर मोदी सरकार ने कश्मीर मसले पर बातचीत का रास्ता चुना है। बहुत सोच समझकर मोदी सरकार ने पूर्व आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा को मध्यस्थ बनाने का फैसला किया है। दरअसल दिनेश्वर शर्मा को अलगाववाद, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में महारत हासिल है और खुद दिनेश्वर शर्मा एनएसए अजीत डोभाल की तरह कश्मीर में काम कर चुके हैं। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के साथ साथ कश्मीर की गहरी समझ ही एनएसए अजीत डोभाल और दिनेश्वर शर्मा को करीब नहीं लाती। दरअसल 1979 बैच के आईपीएस अफसर दिनेश्वर शर्मा नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के खास माने जाते हैं।
एनएसए अजीत डोवल और दिनेश्वर शर्मा दोनों की पृष्ठभूमि सरकार के जासूस की रही है। इसके अलावा अजीत डोवल की तरह केरल कैडर के पुलिस अफसर हैं। अजीत डोवल के एनएसए रहते दिनेश्वर शर्मा जनवरी 2015 में आईबी चीफ बने थे। उनके आईबी चीफ रहते कश्मीर में इंडियन मुजाहिदीन की कमर टूटी। इसके अलावा वो 1992 के उस दौर में कश्मीर में तैनात थे जब आतंकवाद चरम पर था। उन्होंने आईबी में विभिन्न पदों पर काम करते हुए कश्मीर मसले को संभाला। इसके साथ ही डोवल की तरह नागालैंड और मणिपुर के उग्रवादियों से निपटने में सफलता पाई। कूटनीति के मसले पर दिनेश्वर शर्मा को बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। कुल मिलाकर अजीत डोवल की तरह दिनेश्वर शर्मा भी कश्मीर के लिए मोदी के मिशन मैन बनने जा रहे हैं। वो एक रणनीतिकार हैं जो उनके करियर के कई कामयाब मिशन से समझा जा सकता है। वो डीआई भी रह चुके हैं, दूसरा कश्मीर में रह चुके हैं, तीसरा बड़ा स्ट्रेट अनकॉम्प्लिकेटेड आदमी है, क्या उसमें कोई वो हेर फेर नहीं है। तो ये कश्मीरियों को अपील करेगा, उसको कश्मीरियों के लिए दर्द भी है जो ज़रूरी है, और उसमें पेशेंस भी है, कोई उसको जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई ईगो नहीं है। दिनेश्वर शर्मा के कंधों पर कश्मीर को अमन के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए मौका भी मुफीद बन चुका है। इन दिनों कश्मीर में पाकिस्तानी पैसे पर पलते अलगाववादियों की बोलती बंद है। एनआईए ने अलगाववादियों के पाकिस्तानी खैरात पर शिकंजा कसा तो घाटी में पत्थरबाजों की कमर टूट चुकी है। उधर सेना पाकिस्तानी घुसपैठिए और दहशतगर्दों को बंदूक की जबान में जवाब दे रही है। ऐसी सूरत में पूर्व आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा घाटी में अमन बहाली के मिशन पर हैं। अगले 8-10 दिनों में पूर्व आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा अपनी भूमिका के साथ कश्मीर जाएंगे। अब तक सरकार के टॉप जासूस के रोल में रहे दिनेश्वर शर्मा इस बार घाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति दूत बनकर जा रहे हैं। एनएसए अजीत डोवल के माहिर रणनीतिकार बनकर जा रहे हैं। मोदी सरकार को उम्मीद है कि पिछले 70 वर्षों से उलझा कश्मीर मुद्दा अब की बार सुलझने के रास्ते पर बढ़ेगा। दिल्ली से प्रियंका कांतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। भले ही मोदी सरकार ने पूर्व आईबी प्रमुख यानी सरकार के एक पूर्व जासूस को कश्मीर में अमन बहाली के मिशन पर भेजा है, लेकिन इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है। दिनेश्वर शर्मा के पास कश्मीर का लंबा तजुर्बा है। उन्होंने कश्मीर के आतंकवाद के साथ साथ नागालैंड और मणिपुर के उग्रवाद से भी निपटा है। लेकिन सियासी दल को आपत्ति इस बात की है कि केंद्र ने बातचीत की पहल में इतनी देरी क्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोवल ने पूर्व आईबी चीफ यानी एक जासूस से कश्मीर में बातचीत का रास्ता खोलने की उम्मीद की है। ये बेमानी भी नहीं है। बेशक कश्मीर की फिजाओं में बारूद की दुर्गंध है, लेकिन इसमें शक नहीं है कि बीते कुछ दिनों में घाटी के हालात बदले हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है और ये पहले भी हुआ है, उसके अच्छे फायदे हुए हैं और अब फिर दोबारा शुरू हो रहा है। और जो अपॉइंट किया गया है इंटरलॉक्यूटर, जो हमारी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छे इंसान है, मैन विद ह्यूज क्रेडिबिलिटी उनकी अपनी है। ये सियासी मामला है, ये डेवलपमेंट वगैरह से नहीं होगा, ये सियासी मामले को सियासी तरीके से हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। दरअसल सियासी और कूटनीतिक हलकों में चर्चा है कि केंद्र ने सही आदमी को सही वक्त पर सही मिशन पर तैनात किया है, भले ही उसकी पृष्ठभूमि एक जासूस की रही हो। पूर्व आईबी प्रमुख और कश्मीर में भारत सरकार के मध्यस्थ दिनेश्वर शर्मा काफी दिन तक घाटी में काम कर चुके हैं और उन्हें कश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक हालात के बारे में गहरी जानकारी है। आईबी के प्रमुख बनने से पहले दिनेश्वर शर्मा आईबी में ही महत्वपूर्ण काउंटर सर्वेलेंस विभाग के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं, जिनके नेतृत्व में इस विभाग ने कई अहम कामयाबियां हासिल की थी। दिनेश्वर शर्मा ऐसे वक्त कश्मीर जा रहे हैं जब बीते महीने आर्मी ने चुन चुन कर दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। इस साल कश्मीर में करीब 175 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। बॉर्डर पर आर्मी रोजाना करीब 5-6 आतंकियों को मार रही है। दरअसल बातचीत की पहल के साथ कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चौतरफा हमला बोला गया है। आतंकवादियों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। एनआईए ने कश्मीर में
पाकिस्तान से हवाला के जरिए खैरात लेने वाले 7 अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई की है। एनआईए की इस कार्रवाई के बाद घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। ये कमी इसलिए आई क्योंकि अलगाववादी नेता कश्मीरी नौजवानों को पैसे देकर पत्थरबाजी के लिए उकसाते थे। कश्मीर में पाकिस्तान अलगाववादी और पत्थरबाजों का नेक्सस टूट चुका है, फिर भी उम्मीद कम है कि बातचीत के बावजूद कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का एक्शन भी कम होगा। एंटी टेरर ऑपरेशन कश्मीर में चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। वो ऑपरेशन आर्म फोर्सेज का या सिक्योरिटी फोर्सेज का, ये टेररिस्ट के खिलाफ है। मेरा चार्टर है वहाँ की जनता से बात करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर भी बातचीत की पहल से कश्मीर में अमन का रास्ता बनेगा और इसके लिए कश्मीर में मोदी सरकार के मिशन मैन दिनेश्वर शर्मा होंगे। बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त को यही कहा था कि हमें कश्मीरियों को गले लगाने की ज़रूरत है। दिनेश्वर शर्मा जी को अपॉइंट किया है तो इनसे बेहतर कोई नहीं है। ही इज द बेस्ट मैन। वैसे कश्मीर हमेशा से बीजेपी और मोदी सरकार के लिए अहम रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों की सख्ती के बावजूद मोदी सरकार ने घाटी में अमन बहाली की कोशिशें जारी रखी थी। खुद 2016 में गृहमंत्री राजनाथ सिंह सर्वदलीय टीम के साथ कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। पीडीपी के साथ सरकार बनाकर बीजेपी ने कश्मीर के लिए नई स्क्रिप्ट लिखी। मौका बेमौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कश्मीर आते जाते रहे। घाटी में हिंसा के माहौल के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह 5 बार कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में यह कहना बेमाने है कि मोदी सरकार ने कश्मीर मसला सुलझाने का सियासी रास्ता नहीं चुना। तमाम कोशिशों के बावजूद केंद्र की बातचीत की पहल बेअसर रही। विरोधी सवाल उठाते रहे कि कश्मीर में बंदूक का जवाब बंदूक नहीं बल्कि बातचीत हो सकती है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया। 3.5 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट हॉट प्रस्यूट की बात करती, हॉट प्रस्यूट के साथ साथ या उसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कर रही थी। एक ही सरकार को ये निश्चित रूप से ये ऐलान करना होगा कि जो वायदे वो खुद किए सितंबर 2016 में अभी तक जो लागू नहीं हुआ उस आधार पर आगे बढ़ेंगे।